अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ उस पाक साथ से कि आप सब लोग अपने घरों अपनी फैमिली के साथ खुशहाल होंगे और उस रब के शुक्रगुजार होंगे। आज आप देख रहे हैं आपके अपने मुल्तानी किचन में बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही आसान सी डिश बनाई जा सकती है जी, जिसे एज ए स्नैक्स आप यूज़ कर सकते हैं। मूढ़ी के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ, शाम टी पार्टी हो या शाम को वैसे ही कोई हल्का फुल्का कोई मज़ेदार सी चीज़ खान तो वो भी यूज़ कर सकते। आते हैं अपने रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने पोटैटो को बॉयल करके उसको मैश कर लिया है, अच्छी तरह देख सकते हैं जी। और यहाँ रवा को मैंने बॉयल कर सकते, बॉयल हो चुकी बॉयल रवा है जी। रेसिपी हमारी बन रही है आज पोटैटो और रवा के कबाब, बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार। और यहाँ इंग्रेडिएंट्स में एक छोटे प्याज, फिर मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज जो के चॉप की है, सीरा और धनिया ये कुटा हुआ हाफ चम्मच, काली मिर्च हाफ चम्मच, हरी मिर्च दो अदद, नमक हसबे ज़रूरत। और यहाँ हमने लिए चाट मसाला। तो आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि अब रेसिपी को हम बनाने लगे हैं जी। रवा में हमें जस्ट चाट का मसाला डाल कर इसे मिक्स करूँगी ताकि रवा में एक मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए। इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रवा को जस्ट बॉयल किया है इसमें किसी किस्म का, और इसे चाट मसाला इसमें डालकर मिक्स किया जी। यहाँ आते हैं हम अपने पोटैटो की तरफ जी। मीन्स जो हमारी पोटैटो है, पोटैटो को जो कि बॉयल करके क्रश किया हुआ, उसमें मैं ये चॉप की प्याज, हरी मिर्च, नमक, काली मिर्च और कूटा हुआ ज़ीरा और धनिया, इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर दूंगी और इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम फ्लेवर्स जो कि हमारी डिश में मेन हैसियत रखते हैं वो इसमें शामिल हो जाए। जैसे कि देख सकते हैं हमारा मटेरियल रेडी हो चुका है जी। हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है कबाब बनाना, उसके लिए हमें लेकर अच्छे तरीके से कर लें। ये देखें, एक बड़ा सा हमने कबाब शेप में बना लिया क्योंकि अंदर हमने करनी है रवा की फिलिंग जी, जो कि हमारे मज़ेदार कबाब की रेसिपी है शामिल है। अभी रवा जिसमें मैंने चाट का मसाला और साथ कुछ और ऐड नहीं किया, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट। अभी इसे यहाँ लेकर अच्छी तरीके से कवर कर देंगे, ये देख सकते हैं। इस तरीके से ये देख सकते हैं चारों तरफ से कवर है, अंदर हमारे रवा है। अब इस तरीके से बाकी तमाम मैं बना लूँगी। कबाब रेडी हो गए हैं जी। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस करना है, ये एग मैंने इसे बीट कर लिया था, इसे एग में अच्छी तरह डीप करके और ये ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह कवर कर देंगे हम। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से हम सारे कर लेंगे। तमाम कबाबों की मैंने कोटिंग कर ली है जो कि आलू और रवा के कबाब बनने जा रहे हैं। अब हम इसे फ्राई करते हैं। यहाँ मैंने आलू गर्म होने के रख दिया है, अब वन बाय वन इसमें मैं डालूँगी। और इसे थोड़ी देर के लिए हम फ्राई होने देकर जब तक हमें फूल ना हो जाए कि नीचे का लाइट गोल्डन कलर ना हो जाए, तकरीबन ये 4
चार से पाँच मिनट हो गए हैं। इसका कलर खुलने आना शुरू होती है, साइडों से नज़र आ रहा है। अब इसे मैं ट्रन करूँगी ताकि हमारी जो एक साइड हो गई है वो इसी तरीके से उसे साइड में हमारी ये आप देख सकते हैं इतना प्यारा लाइट गोल्डन कलर हुआ है। और इसका तो हर एक ही क्या कि आँच ज़्यादा तेज़ ना हो, धीमी आँच में इतनी भी धीमी ना हो कि बहुत टाइम लग जाए। ताकि नीचे से भी ये अच्छे से कुक हो जाए और साइडों से अच्छे रह रहे हैं, जैसे से आग कर कर आप इसे कुक करें। ये हमारे प्रॉपर कुक हो गए हैं, हमें वन बाई वन निकाल लूँगी। और इसी तरह आप बाकी भी फ्राई करें। अलहमदिल्ला देख सकते हैं हमारे पोटैटो और रवा के कबाब जो हैं रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको चेक करवा सकती हूँ, ये इसे मैं काट कर आपको चेक करवाती हूँ कि दस से कितने यम्मी से लग रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ये अभी ज़रा गर्म है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको चेक ज़रूर करवाऊँगी। ये आप देख सकते हैं ऊपर पोटैटो कवर ऑन द से रवा की और साथ चाट मसाला डाला, इतनी मज़े करिए और साथ हो केचप। तो एक इतनी आसान सी रेसिपी और इतनी यम्मी सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।